आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं इंडेंटेशन इन पाइथन के बारे में, ताकि मुझे इस टॉपिक पे बार बार आना ना पड़े। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में इंडेंटेशन का यूज सिर्फ अपीयरेंस के लिए होता है, कोड को रीडेबल बनाने के लिए होता है, लेकिन पाइथन में उसका एक अलग ही मीनिंग है। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब होता है जो स्पेसेस हम किसी भी पाइथन स्टेटमेंट के बिगिनिंग में देते हैं। सो प्रिंट हेलो एक पाइथन स्टेटमेंट है, और उससे पहले जो ये स्पेसेस है उसे बोला जाता है इंडेंटेशन। पाइथन में डिफॉल्ट इंडेंटेशन होता है 4 स्पेसेस का। अगर हम यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं देंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली वो 4 स्पेसेस करेगा, लेकिन इंडेंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंस होता है इंडेंटेशन का पाइथन में? देखिए, इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, वहां पे हम ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए ब्रेसिस का यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। सो इंडेंटेशन का यूज करके हम डिफाइन करेंगे ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। यहाँ पे देखिए, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, और इस ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, और ये सी लैंग्वेज का कोड है। सो सी लैंग्वेज में ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने के लिए ब्रेसिस का यूज होता है, लेकिन पाइथन में इंडेंटेशन का यूज होता है। इंडेंटेशन का यूज लूप्स में होता है, फंक्शंस में होता है। लूप्स एंड फंक्शंस की जो बॉडी होती है उनको डिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग इंडेंटेशन। देखिए, यहाँ पे मैं इंडेंटेशन को चेंज कर सकता हूँ। जो भी इंडेंटेशन मैं फर्स्ट लाइन का दूंगा वही इंडेंटेशन मुझे अदर स्टेटमेंट्स के देने हैं। सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, ये एब्सोल्युटली फाइन है। देखिए, ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। सो आपको जो इंडेंटेशन है इसे कंसिस्टेंट रखना है। इंडेंटेशन कोड को मोर रीडेबल बनाता है। जिन पाइथन स्टेटमेंट्स का इंडेंटेशन सेम है वो एक ब्लॉक होता है कोड का, उन्हें सूट भी बोला जाता है। अगर हम इंडेंटेशन में गलती करते हैं तो हमें मिलेगा इंडेंटेशन एरर। यहाँ पे मैं इंडेंटेशन गलत देता हूँ, सेव करके इसे रन करता हूँ, यहाँ पे मुझे मिलेगा इंडेंटेशन एरर। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है पाइथन के बारे में वो ये है कि पाइथन इज नॉट अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट्स किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड से बिलोंग नहीं करते हैं उनको हम इंडेंट नहीं कर सकते। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट हेलो। अगर मैं इसे इंडेंटेशन देता हूँ 1 स्पेस का, सेव करके इसे रन करता हूँ, दिस इज नॉट वैलिड इन पाइथन, मुझे मिलेगा इंडेंटेशन एरर। सो जो स्टेटमेंट्स किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड से बिलोंग नहीं करते हैं उनका इंडेंटेशन हमें 0 रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।